Dear student, we discuss about the graphical representation of disease cycle of Colitis trichum falciatum. Disease कैसे फैलती है plants में by the Colitis trichum, जो कोई भी disease plant है field में उसके ऊपर जो conidia formation होती है, क्योंकि उसके वो फंगस से इन्फेक्टेड है तो उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन भी होगी, जो कि एसरविलाई में बनते हैं और वो कोनिडिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑन द हेल्दी बर्ड्स ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर या दूसरी एजेंसी के द्वारा, एंड दैट का द इन्फेक्शन इन द न्यू प्लांट्स आल्सो एंड अदर बर्ड ऑफ द सेम प्लांट आल्सो. और वो कोनिडिया सोयल में भी के ऊपर फाल भी हो सकते हैं और फाल होने के बाद सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं और रूट को हेल्दी प्लांट की रूट में इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिससे कि दूसरे प्लांट है इन्फेक्टेड हो जाते हैं. कई बार जो क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में डिजीज प्लांट के ऊपर, तो वो क्लेमाइडोस्पोर्स सॉइल में अनफेवरेबल कंडीशन में एज इट इज रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हेल्दी प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें इन्फेक्शन काज कर देते हैं, जिससे कि रूट इन्फेक्शन हो जाता है और डिजीज है वो पूरे प्लांट में फैल जाती है. और कई बार जो डिजीज सीड है, इन्फेक्टेड सीड है, उनसे अगर हम न्यू प्लांट ग्रो कर दें तो वो इन्फेक्शन नए प्लांट ग्रो होंगे उसमें भी होगा, और डिजीज प्लांट प्लांट जर्मिनेशन के साथ साथ डिजीज भी हो जाएगी उस प्लांट में और इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस हो जाएंगे. दीज आर द डिजीज साइकिल ऑफ द कोलिटो ट्राइगम. और कोलिटो ट्राइगम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, अबाउट दिस इज इन द कोलिटो ट्राइगम.